गुड मॉर्निंग भाई लोग, सभी को नमस्कार। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो अब हम रानी खेत में कल रात को रुके हुए थे। आपको जैसे पता ही है, दूसरे वीडियो में आपने देखा ही होगा, तो हम रानी खेत में रुके हुए थे और आज हम लोग यहाँ से भी निकलने को तैयार हैं। अभी जा रहे हैं हम बागेश्वर। वो रात को हमने पहले हमें 800 में कमरा मिला, फिर हमें 900 में मिला। सो ये हमारा ये कमरा था, जो भी देखो कमरे का हाल क्या हो रखा है। कमरा कमरा नहीं रह गया, अब कुछ और रह गया ये। और ठंड बहुत ज़बरदस्त लगी है, बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर रात को एक और उनको बोला रजाई, तो फिर रजाई दिया उन्होंने। तो अभी आपको हम दिखाते हैं बाहर का व्यू। सो ये देखो, हम खोलेंगे दरवाज़ा और ये देखो, वाह। सो यहाँ से देखो सामने एक माउंटेन की चोटी दिख रही है, बर्फ़ की चोटी दिख रही है, देखो पूरा। और इधर तो कुछ दिख नहीं, हाँ उधर भी बर्फ़ ही दिख रही है, बट शायद कैमरे में कवर नहीं होगी। कोई रोड सुनसान पड़े हैं, पूरे रोड सुनसान पड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा है, बट हल्का सा फॉगी फॉगी टाइप का हो रखा है यहाँ पे। तो चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग आगे जाके कहीं रास्ते में अच्छा खासा दबाएंगे, क्योंकि रात कल रात को हम लोगों ने कुछ गलत खा लिया था। गलत मीन्स मतलब पूरी रात बुरा हाल था सब दोनों का, भाई का तो कुछ सही नहीं था। सो हाँ, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आगे चल के। सो गाइज हम वापस पहुंचे हैं रात वाली लोकेशन पे। यहाँ पर आपको पूरा लाइट लाइट दिख रहा था, बट यहाँ से भी देखो पूरा पीछे माउंटेन दिख रहा है। माउंटेन के ऊपर बर्फ़ की चट्टानें दिख रही हैं, बहुत दूर तक है। शायद हम लोग उसके पास जाएंगे आज, उसके पास नहीं बागेश्वर जाएंगे, बट वहाँ से देखते हैं कितना दूर दिखता है, कितना दूर नहीं दिखता है। सो कोशिश करेंगे हम वहाँ तक पहुँचें, नहीं पहुँचे तो हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आ गए हम रोड पर और हम निकल पड़े हैं बागेश्वर के लिए। सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पर, आंचल दूध आता है, यस। और अभी दिखाते हैं नीचे का व्यू थोड़ा सा। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं रानीखेत से बागेश्वर के लिए। और ये देखिए रानीखेत की मार्केट, मार्केट क्या है, कुछ ही नहीं है यहाँ। जैसे जैसे बागेश्वर को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडा लग रहा है, धूप भी आ गई, ठंडा तो लग ही रहा है। ये देखिए सो गाइस, कल रात को खाने के बाद हमारी होगी हालत ख़राब। सो अब हम क्या खा रहे हैं देख रहे हो, संतरा इधर से, हाँ इधर से संतरा, क्योंकि हमारे पेट में हो गई कुछ गड़बड़। और पता नहीं क्या गलत खा दिया, क्या नहीं खाया यार, खाया तो सब जगह सीख ही था, तो भगवान जाने क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो हम खाएंगे संतरा और ये भाई खाएगा, क्या खाओगे? दाल चावल। ये खाएंगे भाई साहब दाल चावल, शाकाहारी। शाकाहारी तो हम कौन से हैं, मांसाहारी, हम भी शाकाहारी हैं। नहीं वो वाला मैंने फास्ट फूड वाला नहीं है ना। हाँ वो अलग है। हाँ फास्ट फूड अलग होता है, नॉनवेज अलग होता है। तो हम खाएंगे संतरे, फिर दोपहर में देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे फिर। और ये जगह बहुत अच्छी मिल गई थी ना यहाँ पे, यहाँ के दिखाता हूँ आपको, ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे, देख लो। बीच रोड में अल्मोड़ा के रोड में यहाँ पे रुक गए हम लोग, देखा इधर कुछ लिखा हुआ था हम लोग। वो देखो बर्फ का चट्टान उस पार है, देख कितना ऊंचा है यार वो तो। ये देख सामने, सामने भी देख, सामने भी देख, लग रहा आसमान से मिला हुआ है। सही जबरदस्त व्यू है यार। ओ भाई साहब वो नीचे जाना, देखो वो रास्ता दिख रहा है, वहां जाना है अपने को, सामने जाना है। देखिए मेरे पीछे सामने व्यू, जबरदस्त व्यू है यहाँ से। वो सामने बागेश्वर है, वहाँ जाना है, बादलों के ऊपर नहीं यार, बादलों से नीचे, वो नीचे देखो नीचे, हाँ नीचे देखो, हाँ यहाँ पे, यहाँ जाना है। क्यों भाई वहीं जाना ना? हाँ बिल्कुल, हाँ वहीं जाना है। अभी देखो सो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले बागेश्वर हम लोग। सो गाइस प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक से डेढ़ घंटे के रास्ता क्लोज करके रखा हुआ है, कोई गाड़ियाँ आएंगी नहीं जाएंगी, सब रास्ता क्लोज करके रखा हुआ है। और यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर पीछे हम लोग, और बहुत ही धूप भी लग रही है, भूख भी लग रही है। वेट करते हैं थोड़ी देर, 1 घंटे का वेट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। फिर
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर, और बागेश्वर का ये देखिए एक प्यारा सा लुक, ज़बरदस्त लुक है। ओ भाई साहब ज़बरदस्त है, शानदार। सो पीछे गांव, इधर आगे मार्केट, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, क्या होता है और होटल कहाँ मिलता है, ढूंढते हैं चल के। यहाँ पे तो बहुत धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। हाँ चले नहाने चले, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाँ निकल गया निकल गया, बहुत मजा आ गया। सो गाइस हम पहुंच गए होटल में, और होटल हमने ले लिया है बहुत ही सस्ते में, लाने के से तो बहुत सही है और अच्छा होटल मिल गया, सस्ते मिल गया, सिर्फ 600 रुपीज में ये रूम। और ये देखो ये तो भाई साहब सोने को तैयारी हो गई है, सो रहे हो, नींद आ रही क्या? आया थक गया ना। चलो सो वैसे हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल कर लिया, करीब 160 किलोमीटर के आसपास बाइक चला चुके, घूम घूम के आए हम। और यहाँ का लोकेशन ये देखो, यहाँ पे ये मार्केट एरिया पड़ता है यहाँ पे, और ये इधर पुल। तो मैं इधर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ से क्या व्यू है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू ये देखिए, यहाँ पे है नदी और ये है पुल, और यहाँ पे ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। वहाँ पे देखिए लोग नहा रहे हैं, कुछ कचरा निकाल रहे हैं, आई थिंक कोई एक्सपायर हो गया उसको चलाने के लिए आए हैं, सो कोई एक्सपायर आप उनको चलाने के लिए आए हुए हैं। और आज हम लोग यहाँ पे नज़ारा लेने वाले हैं, हम लोग एक मंदिर देखे हैं, टेम्पल देखे हैं, इस साइड नहीं है उस साइड है शायद, वो देखिए वहाँ पर एक टेम्पल, अभी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ जाने की, पहुँच गए तो फिर देखते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर शाम को घूमेंगे चंपावत। सो गाइस मैं आके और यहाँ पे सो गया था, थक गया था बहुत बुरा, थक गया था और सीधा उठा देखा तो 8 बज गए थे। प्रशांत को मैंने भेजा फटाफट खाना लेने के लिए, खाना लेने के लिए गए हुए हैं, और यहाँ से मैंने देखा बाहर का व्यू सुपर ज़बरदस्त, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिखाने वाला बाहर का। यहाँ पे छोटा सा ये देखिए, वो क्या मस्त लग रहा है यार। और दूसरे तरफ देखते हैं, चलिए खोलते हैं दरवाज़ा और चलते हैं दूसरी तरफ, इस तरफ का क्या नज़ारा है ये, वाह ये तो भाई शानदार ही नज़ारा है। ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, ये अब बीच में नदी आ गई, ये तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। हम उस टेंपल में जाने वाले थे बट नहीं सो गए, उस टेंपल में जाने वाले थे, अंधेरा है शायद, उस टेंपल में जाने वाले थे पर सो गए, नहीं जा पाए। सो आज का वीडियो मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म, तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सब।